देखो ये कॉमा किस लिए यूज करते हैं, पॉज का मतलब होता है स्टॉप। जब हम थोड़े देर के लिए पॉज लेते हैं ना, फुल स्टॉप तो एक परमानेंट स्टॉप लगा दिया, खत्म ही कर दिया। बट पॉज, पॉज का मतलब भी है टेम्पररी, थोड़े देर के लिए कहीं पे रुकते हैं, ठीक है, तो वहां पे थोड़े देर के लिए, बात में थोड़े देर के लिए पॉज लेना है, तो वहां पे हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन असली सेंटेंस में देखो कि कॉमा का क्या क्या काम होता है। ठीक है, कॉमा का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले तो कॉमा का यूज किस लिए करते हैं, अगर आपको एक वाक्य में बहुत सारी बातें बोलनी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि अगर दो चीजें, आई लाइक बुक्स, आई लाइक, मैंने लिख दिया आई लाइक बुक्स एंड मूवीज, मेरे को बुक्स भी पसंद है, मेरे को मूवीज देखना भी पसंद है, तो हम किसी दो चीज का एग्जाम्पल देने के लिए एंड से तो जोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी दो से ज्यादा चीज होता है ना, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते आई लाइक्स बुक्स एंड मूवीज एंड स्विमिंग, इतने बार एंड एंड करके नहीं जोड़ेंगे। ओके, वाक्य में 10 बार एंड एंड नहीं करते हैं, जब दो चीज है तो हम एंड से जोड़ देंगे, लेकिन वाक्य में कभी कभी दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा वर्ड हो या फ्रेज हो, दो है तो हम एंड से जोड़ देंगे, लेकिन दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा हो, हम सीरीज में लिख रहे हैं तो उसके लिए हम कॉमा लगाते हैं। जैसे मुझे किसी को बोलना हो ना, ही लव्स आइसक्रीम चॉकलेट्स पेस्ट्रीज मोमोज, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, थोड़ा सा पॉज दूंगी उसको, ही लव्स, यहाँ पे ना सब एक साथ बोल दिया, देखो एग्जाम्पल दिया ना, एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल और तीसरा है, और दो से ज्यादा है ना, दो से ज्यादा है तो कॉमा लगाएंगे ना, ऐसा नहीं कर सकते ही लव्स आइसक्रीम्स, ठीक है, एंड अच्छा ही लव्स आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स एंड बुक्स, इतने बार नहीं लगाएंगे, तो हम एक जगह कॉमा लगा दें, ही लव्स आइसक्रीम चॉकलेट्स एंड बुक्स, ये पांच छह चीज भी है, कॉमा लगा लगा के कर देंगे, कॉमा लगा लगा के, ठीक है। और कॉमा का यूज कहाँ होता है, देखो, हाँ एक चीज और बताना था आपको, और कॉमा का यूज कहाँ होता है जनरली, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हाँ यहाँ से कंफ्यूजन होगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जनरली आपने क्या पढ़ा है कि जब भी कंजंक्शन का यूज होता है ना, जब भी हम कोई कंजंक्शन लगाते हैं तो वहां से कॉमा को रिमूव कर देते हैं, रिमूव कॉमा, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया था, ऑल दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की बट फिर भी वो फेल हो गया, तो ऑल दो के साथ तो येट कंजंक्शन लगता है, और हमने ऐसा किया था, ठीक है, हमने ऐसा किया था, although he worked hard, और हमने क्या किया था ना कि कंजंक्शन हटा के वहां पे कॉमा लगा दिया, although he worked hard he failed, लेकिन कुछ ऐसे कंजंक्शंस है, याद रखना है कि ठीक है जब हम कंजंक्शन हटाते हैं तो कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, कॉमा लगा देते हैं, ओके, या कॉमा हटता है तो कंजंक्शन लगा देते हैं, बट कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं जो कॉमा के साथ यूज होता है, यहां से अब थोड़ा ध्यान रखना है, ओके, यहीं से अब असली अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, ये देखो कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं ना जो कॉमा के साथ लगता है, लेकिन कभी कभी वो कंजंक्शंस में कॉमा लगता भी है, कभी कभी नहीं भी लगता है, कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है जोड़ने का, ठीक है, तो कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जिसमें कॉमा हम यूज कर भी सकते हैं, कॉमा यूज नहीं भी कर सकते हैं, अब आपको समझना है ना कि कहाँ कॉमा का यूज करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, इसमें ना आप और भी डाल लो, आप देयरफॉर भी डाल लो, देयरफॉर वाला भी एग्जाम्स में बहुत दिखता है, देयरफॉर भी डाल लो और हाउएवर भी डाल लो, सो है ना, हाउएवर इज हालांकि, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हाँ कि ये देयरफॉर में ई छूट गया है, ठीक है, देयरफॉर हाउएवर ये सारे कंजंक्शंस है जो अपने साथ कॉमा लेता भी है और कभी कभी अपने साथ कॉमा नहीं भी लेता, ध्यान से सुनना, आई लाइक समोसाज एंड तो क्या है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है,
ठीक है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. एंड का काम होता है चीजों को जोड़ना, यहां पे एंड कंजंक्शन है, ठीक है, और यहां भी एंड कंजंक्शन है. और अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी कंजंक्शन आ जाता है ना तो हम कॉमा को हटा देते हैं, ठीक है, कॉमा को हटा देते हैं कि जब हम एंड से जोड़ ही रहे हैं तो फिर से कॉमा लगाने की जरूरत कहां से पड़ गई. लेकिन याद रखना है कि ये सारे कंजंक्शंस, एंड हो, और हो, सो हो, बट भी, बट वाला भी बहुत आता है, हाउएवर वाले को भी बहुत बार एग्जाम्स में देखा है, जहां भी पंचुएशन का आता है ना वहां बट और हाउएवर वाला बहुत बार आया है. ओके, देयरफॉर का मतलब है इसलिए. तो जब भी ऐसे कंजंक्शंस आ जाते हैं तो वहां पे कॉमा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है. अच्छा, आपको याद होगा एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, पहले तो आप ध्यान से सुनो, क्लॉज किसको बोलते हैं, क्लॉज, एक मिनट थोड़ा सा इसको समझाना होगा तभी आपको ये समझ में आए. एकदम इसको एग्जाम पर्पज से पढ़ना है, उसके बाद मैं आपको सेंटेंसेस करवाऊं, ठीक है. जैसे देखो, क्लॉज, क्लॉज को थोड़ा सा बताती हूँ. क्लॉज किसको बोलते हैं, जब वाक्य में, ये मैंने आपको कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है, जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है उसको हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है. सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है उसको हम क्लॉज बोलते हैं. और दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको मैंने कंजंक्शन चैप्टर में बताया. इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं. और एक होता है डिपेंडेंट. ओके, जैसे मैंने लिखा, ही वर्क्ड हार्ड येट ही फेल्ड, ठीक है. और फिर मैंने लिखा व्हेन ही कम्स या इफ ही कम्स आई विल गो, जब मैं जाऊंगा, आएगा तब मैं जाऊंगा. ध्यान से देखना, ओके. हाँ, तो यहाँ पे देखो, क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है. यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, क्लॉज. यहाँ भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज. इस वाक्य में दो क्लॉज है. और यहाँ पे भी देखो, सब्जेक्ट और वर्ब ये मिलके बना रहा है क्लॉज. और आई विल गो ये क्या है, ये भी आई सब्जेक्ट है और विल गो वर्ब, ये मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज. दो क्लॉज है. अब देखना है कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है. इफ ही कम्स, अगर मैं यहां तक बोल रही हूं तो क्या ये सही लग रहा है, अगर वो आता है तो ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है ना, ठीक है, ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है. इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, तो ये अधूरा सा लग रहा है, इसको किसी दूसरे क्लॉज के सहारे की जरूरत पड़ रही है ना, इसका मतलब है कि ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, इसका खुद में मीनिंग नहीं है, इसको दूसरे वाले क्लॉज के सहारे की जरूरत पड़ रही है, तो ये इंडिपेंडेंट है. ये वाला जो क्लॉज है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये वाला डिपेंडेंट था. बट यहां पे दोनों को अलग अलग भी पढ़ सकते, ही वर्कड उसने काम किया, ही फेल्ड, तो यहां पे दोनों इंडिपेंडेंट है, इसको एक दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही, इसका अलग अलग मीनिंग है, ठीक है, इसका अलग अलग मीनिंग है. अब देखो यहाँ पे, अब एंड के साथ यहाँ पे मैंने कहाँ चला गया, यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जहां पे नहीं होगा कॉमा, और कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जहां पे कॉमा होगा. यहाँ पे एंड कंजंक्शन था, ठीक है, यहाँ पे एंड कंजंक्शन, और यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डाला, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि हम जब एंड लगाते हैं तो कॉमा नहीं डालते. यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पे पहला वाला जो था उसमें कॉमा डाला, ठीक है, फिर दूसरा वाला जब एंड लगा ही दिया है तो फिर से कॉमा डालने की जरूरत नहीं, ठीक है. यस, आई लाइक समोसाज एंड पेस्ट्रीज, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने नहीं डाला, यहाँ पे नहीं डाला, बट यहाँ पे मैंने कॉमा डाला है, ये सही है, एंड के पहले कॉमा डाला है, क्योंकि दिमाग में आएगा आपके कि मैम एंड के पहले तो कॉमा नहीं डालना है. एंड के जैसे आपको 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 केक्स पसंद है, आपको पेस्ट्रीज पसंद है, आपको मिठाई पसंद है, स्वीट्स पसंद है, और लास्ट में एंड आइसक्रीम पसंद है, तो आपको तो ये लग रहा होगा ना कि शुरू में जितना कॉमा डालना है अलग अलग करने के लिए वर्ड्स को मैंने डाल दिया, और जब एंड लगा देंगे ना तो फिर से यहाँ पे कॉमा नहीं डालेंगे, ठीक है, पहले ही कॉमा डाल देना, जब एंड लग गया है तो कॉमा नहीं डलेगा.
तो यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, बट यहाँ वाला कॉमा एंड के पहले सही है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि एंड के पहले कब कॉमा हटाना है और कब लगाना है, कैसे पता चलेगा। याद रखना कि अगर एंड के बाद कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, आप देख रहे हो सब्जेक्ट और हैज कंफर्म्ड वर्ब, ठीक है, यहां पर देखो सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि इसको अलग से आप बोल सकते हो। और यहां भी आई हैव स्पोकन, ये सब्जेक्ट है और ये हैव स्पोकन वर्ब है, आई हैव स्पोकन, ये भी क्लॉज है। तो एंड के साथ कॉमा कब लगता है, जब एंड के साथ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। देखो ऑल दीज कंजंक्शंस कॉमास तब लेता है जब उसके साथ साथ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। सिंपली देखो ना, एंड के बाद एक क्लॉज लगा हुआ तो फिर हम कॉमा लगाएंगे। आई हैव स्पोकन टू हर, मैंने उसको उससे बात तो की है, थोड़ा सा पॉज देके, एंड उसने कंफर्म किया है, उसने कंफर्म किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें रुकने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को समोसा और पेस्ट्रीज पसंद है, इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है। देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और लाइक क्या है, वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, तो इस वाक्य में तो एक ही क्लॉज है। और जब वाक्य में एक ही क्लॉज है तो फिर एंड के साथ कॉमा मत लगाना। एंड के साथ कॉमा तब लगेगा ना जब वाक्य में दो क्लॉज हो। ये एंड के बाद देख रहे हो, ये पेस्ट्रीज है, एंड के बाद पेस्ट्रीज तो क्लॉज नहीं होता है ना, एंड के बाद क्लॉज आना चाहिए। क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, मतलब एंड के बाद यहाँ पे क्लॉज आ रहा है तब कॉमा डालना, अगर क्लॉज नहीं है तो नहीं आएगा। एक बार बताइए यहाँ तक क्लियर है? हाँ यहाँ तक क्लियर है, और भी सेंटेंसेस करवाओ। ओके अभी ना सिंपल कंपाउंड सेंटेंस का नाम मत लो, क्योंकि हाँ अभी सिंपल कंपाउंड सेंटेंस का नाम नहीं लेना है। अब आ जाओ दूसरा देखो। अब बहुत सारा सेंटेंस लिया, ये बट भी तो कंजंक्शन है, बट भी कंजंक्शन है, उसने कड़ी मेहनत की, यहां भी बट कंजंक्शन है। तो कहने का मतलब क्या है कि एंड के साथ कॉमा तब लगेगा जब एंड के बाद कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, अगर तभी कॉमा लगाओगे। अगर एंड के बाद कोई क्लॉज नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई क्लॉज वगैरह नहीं दिख रहा है, तो वहां पे कॉमा मत लगाना। ये देखो एक मिनट, यहां भी आपको किया था ना, यहां एंड के बाद कोई नो क्लॉज, कोई क्लॉज नहीं आ रहा, बुक्स क्लॉज थोड़ी है, तो यहाँ कॉमा मत लगाना। यहां भी एंड के साथ वो सब नहीं लगा रहा है, तो कॉमा वगैरह मत लगाना। उसी तरह बट के साथ भी वही है। अब सेंटेंस देख रहे हो, आप बोलोगे कि मैम यहां तो बट के पहले आपने कॉमा नहीं लगाया, बट यहां पे लगाया, और है तो दोनों करेक्ट। लेकिन अब देखो, उसने कड़ी मेहनत की पर फेल हो गया। ये फेल्ड सिर्फ वर्ब है, ये तो सिर्फ वर्ब है, ये क्लॉज नहीं है। क्लॉज होने के लिए तो उसके साथ सब्जेक्ट भी तो चाहिए। ओके सब्जेक्ट भी तो चाहिए, बट यहां पे देख रहे हो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। और जब अब सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, सब्जेक्ट वर्ब आ गया, तो इसका मतलब है क्लॉज आ गया। तो एंड की तरह यहां भी बट के बाद, यहां पे नो क्लॉज, नो क्लॉज तो नो कॉमा, लेकिन अगर क्लॉज आ गया तो कॉमा डालना, ठीक है। अब देखो, आई लाइक कैंडी, मेरे को तो कैंडी पसंद है, बट फिर भी मुझे कैंडी तो मेरे को पसंद है, बट कैंडी से मेरे को एलर्जी होती है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। अगर बट के बाद क्लॉज आ रहा है तो कॉमा डालना, बट के बाद क्लॉज आ रहा है तो कॉमा लगेगा। ये मत समझना कि मैम बट तो ऑलरेडी कंजंक्शन है, और कंजंक्शन आ गया तो कॉमा क्यों लगाएंगे। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो कंजंक्शन आया है इसलिए आपने कॉमा हटा दिया है, ये भी तो कंजंक्शन है, बट आपने कॉमा क्यों लगाया। सारा क्लॉज का खेल है, क्लॉज का खेल है, मीनिंग सेम है। अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो आपने नहीं डाला है यहाँ पे आपने कॉमा क्यों नहीं डाला है। देखो सम बुक्स तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आता है, ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। और अभी तक तो आपने बताया कि क्लॉज, जहां भी क्लॉज आ गया है तो बट के साथ कॉमा डालना चाहिए था ना, बट आपने क्यों नहीं डाला। मैंने इसलिए नहीं डाला ना, क्योंकि बट के साथ कॉमा तब लगेगा ना जब वाक्य में बट कंजंक्शन का काम कर रहा है। ओके यहाँ पे मैंने जो भी काम करवाया है ना, बट को, देयरफॉर को, सो को, सबका कंजंक्शन का,
ठीक है, कंजंक्शन का काम करवाया है, लेकिन आपको मैंने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है ना, यहाँ पे बट कंजंक्शन है ही नहीं। यहाँ पे बट का मतलब लेकिन के सेंस में थोड़ी जा रहा है। उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, मेरे को कैंडी पसंद है लेकिन मुझे एलर्जी है। यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट है, बुक्स के सिवाय कुछ भी उपलब्ध नहीं था। तो यहाँ बट कंजंक्शन है ही नहीं, यहाँ तो बट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आप कॉमा थोड़ी डालोगे, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ओके हाँ, तो यहाँ का बट प्रेपोजिशन के बाद आप कॉमा वगैरह प्रेपोजिशन के साथ नहीं डाल सकते हो। ओके, प्रेपोजिशन के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ मत डाल। ओके, अब देखो ही वो, हाँ अब कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान देना। ही वॉज लेट, मुझे ना जी वाला सेंटेंस समझाना है, ही वॉज लेट, ठीक है, बट अगर ऐसा रहता, बट आई वेटेड फॉर हिम, ये भी सेंटेंस कहीं से गलत नहीं है, सही है। वो लेट था बट मैंने उसका इंतजार किया, तो यहां बट के बाद क्लॉज आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया मतलब क्लॉज आ गया, और बट के साथ क्लॉज आ रहा है ना तो कॉमा लगा देना, कॉमा लगा देना, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। ओके, दूसरा देखो, लेकिन ये सेंटेंस को मैंने ऐसा नहीं लिखा है क्योंकि ऐसा वाला तो बहुत एग्जांपल दे दिया। कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आ जाता, आप क्या करते हैं ना, ही वॉज लेट, इतना बोल के आप रुक गए, ही वॉज लेट, फिर बोल रहे हैं बट आई वेटेड फॉर हर, तो कभी कभी क्या होता है फुल स्टॉप के बाद बट लगा देते, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद बट लगा देते। बट डिफरेंस क्या है कि अगर फुल स्टॉप के बाद लगाओगे तो बट को कैपिटल लेटर से लिखना, अगर कॉमा के बाद लगाओगे तो स्मॉल लेटर से लिखना। तो ये भी जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो भी गलत नहीं था, वहां भी कॉमा लगेगा अगर फुल स्टॉप के बाद भी बट आ रहा है ना, ठीक है, तो वहां भी कॉमा लगाना। ही वॉज लेट, वो लेट था बट फिर भी मैंने उसका वेट किया, तो कॉमा लगाना, ठीक है, कॉमा लगाना। अब देख लो, My sister was sick. अब सो वाला कर लेते, ऊपर बहुत सारा मैंने एंड वाला करवाया आपको, ठीक है, एंड वाला करवाया, बट वाला करवाया, अब सो वाला देख लो। My sister was sick. मेरी सिस्टर बीमार थी इसलिए मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई। यहाँ पे देखो, ये सो भी कंजंक्शन है और इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है। अब आप बोलोगे मैम सो कंजंक्शन है तो कंजंक्शन और कॉमा एक साथ क्यों लगा दिए? वो लग सकता है, लग सकता है, क्योंकि जब कंजंक्शन के बाद क्लॉज आ गया ना तो कॉमा सही होगा, ठीक है, कॉमा सही होगा। अब नेक्स्ट देखना, ये स्लाइड आपको मिल जाएगा, बस आप समझ लो एक बार, मंडे को CISR का एग्जाम है, आपका बन जाएगा सब। देखो सो को मैंने ना वैसे लिखा है बट की तरह, कॉमा लगा के लगाया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना ऐसा भी आ जाता है। माई सिस्टर वॉज सिक, My sister was sick, full stop, या so को capital से लगाना, फिर भी comma डालोगे so, क्योंकि clause तो आ ही रहा है, subject verb तो आ ही रहा है ना, clause तो आ ही रहा है, तो चाहे ऐसा भी लिख सकती थी मैं, My sister was sick, ऐसा भी लिख सकती थी, ये भी गलत नहीं था, My sister was sick, so I took him, बस यहाँ का so small letter से था, but यहाँ अगर आपने full stop डाल दिया तो so capital से हो जाएगा, otherwise comma तो रहेगा ही ना, क्योंकि यहाँ भी क्लॉज है और आई टू हिम यहाँ भी क्लॉज। ओके हाँ ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं ना, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में आप कॉमा नहीं भी लगाते वो तो काम चल जाता है, लेकिन जो क्लॉजेस डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस याद रखना है, डिपेंडेंट क्लॉजेस तो बिना कॉमा का हो ही नहीं सकता, बिना कॉमा का हो ही नहीं सकता। देखो ये डिपेंडेंट है ना, व्हेन ही कम्स, अगर वो जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, मैं तभी जाऊंगा ना जब वो आएगा, मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है, तो ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट मतलब इसको अपना मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग अधूरा है, ये दूसरे वाले क्लॉज पे निर्भर है। तो जब भी वाक्य में डिपेंडेंट क्लॉज आए वहां कॉमा लगाना। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा लगाना, बाद में इंडिपेंडेंट वाला है। अगर बारिश होती है, इतना बोल के छोड़ दूंगी तो ये तो अधूरा लग रहा है, आगे बोलूंगी तभी तो ये पूरा होगा ना, तो ये इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज है और ये डिपेंडेंट वाला, तो यहां भी कॉमा डालना, ठीक है, कॉमा डालना। अभी तो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, ये सब थ्योरी में PDF मिल जाएगा। ऊपर देखो टेलीग्राम है, ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है। ओके, टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, आप देख लेना, क्योंकि सिर्फ पढ़ा के ही नहीं चले जाना है ना, पढ़ा के ये भी देखना होता है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में जैसा आ रहा है वो बन रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स का।
एक तो कॉमा का यूज, अभी तक मैंने कॉमा का यूज, देखो कॉमा का यूज क्या क्या बताया. एक तो हम कॉमा का यूज करते हैं जब वाक्य में तीन चार एग्जाम्पल दिया गया है, वहां कॉमा कॉमा लगाते हैं और लास्ट वाले एग्जाम्पल के साथ एंड लगाते हैं. कॉमा कंजंक्शन के साथ भी लग जाता है और कभी कभी कॉमा को एपोजिटिव्स के साथ भी लगाते हैं. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या है. एपोजिटिव्स का मतलब होता है ना किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना. यहां भी कॉमा लगाते हैं. आप सेंटेंस देखना, ऐसा वाला भी आपके एग्जाम्स का फेवरेट होता है. कालिदास अ ग्रेट पोएट वॉज लव्ड बाय ऑल. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, कालिदास जो कि एक बहुत बड़े कवि थे और सबके द्वारा उनको पसंद किया गया. तो ये जो कालिदास के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है ना, कालिदास कौन थे, एक बहुत बड़े पोएट थे. तो अगर पहले हम मेन सब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, पहले हम मेन सब्जेक्ट बोल रहे हैं और मेन सब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं ना, उसके साथ भी कॉमा लगाना, ठीक है, कॉमा लगाना. कालिदास जो कि एक बहुत बड़े पोएट थे, फिर कॉमा, वॉज लव्ड बाय ऑल. उसी तरह माई फ्रेंड होगा यहाँ पे एस हटा देना, ठीक है. माई फ्रेंड राम, मेरा फ्रेंड जिसका नाम राम है. फ्रेंड के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हो ना, मेरा फ्रेंड उसका नाम राम है, उसने मेरी हेल्प की, तो इसी को अपोजिट्स बोलते हैं, ओके. फिर मैं अपने बारे में जानकारी दे रही हूँ, आई अपने बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं ना. आई कौन है, टीचर ऑफ इंग्लिश है, तो ये अपोजिट हो गया. जब भी हम किसी वाक्य को शुरू करते हैं, ठीक है, और शुरू करते हैं पहले सब्जेक्ट के साथ, फिर उस सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उसी को अपोजिट्स बोलते हैं. वॉज टीचिंग ग्रामर, तो उसके साथ भी कॉमा का यूज होता है, ठीक है. कॉमा का यूज कहाँ कहाँ होता है बता रही. दूसरा, कॉमा का यूज हम और कहाँ करते हैं, जब भी हम डेज को, डेट्स को सेपरेट करते हैं मंथ्स को, उसके साथ भी कॉमा का यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने लिखा ही वॉज बॉर्न ऑन 4th जुलाई, ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑन 4th जुलाई, तो यहाँ पे हम जुलाई को ईयर से अलग कर रहे हैं, ठीक है, मंथ्स को ईयर से अलग कर रहे हैं. अगर डेट ना भी हो, सिर्फ मंथ हो या ईयर हो, अलग करने के लिए उसके लिए भी यूज करते हैं. तीसरा देखो, यहाँ पे तीन चीज है, यहाँ डे भी बता दिया, वो संडे को जन्म लिया था, संडे जो कि 4th जुलाई था 1987, तो यहाँ पे दो कॉमा डालना होगा. यहाँ पे तो दो ही चीज था तो एक कॉमा से अलग कर दिया, बट यहाँ पे डे भी बताया ना, तो दो बार कॉमा लगा दे. ही लिव्स इन मुखर्जी नगर दिल्ली, मुखर्जी नगर को दिल्ली से किया है और यहाँ पे दिल्ली को इंडिया से किया है, उसके लिए भी कॉमा लगाते हैं, उसके लिए भी कॉमा का यूज करते हैं हम. और कॉमा का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, कॉमा का यूज हम अगर हम वाक्य को प्रेपोजिशन से शुरू करते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्टरी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, अगर हमारा वाक्य प्रेपोजिशनल फ्रेज से शुरू है. अब सेंटेंस में थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अपने सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू किया और यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेपोजिशन बाद में आया, मतलब प्रेपोजिशन बीच में आया, ये एट प्रेपोजिशन है, तो ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है. फ्रेज किसको बोलते हैं, तीन से ज्यादा वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं, ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस. तो थोड़ा सा सेंटेंस पे ध्यान देना कि जब भी जनरली हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है फिर वर्ब आता है, बट कभी कभी हमारा सेंटेंस कोई प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज से शुरू होता है. आप देख रहे हो यहाँ का प्रेपोजिशनल फ्रेज इंट्रोडक्टरी है, शुरू में, ठीक है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के साथ हम कॉमा तब लगाते हैं ना जब वो प्रेपोजिशनल फ्रेज इंट्रोडक्टरी हो, इंट्रोडक्टरी हो मतलब शुरू में, तो शुरू में है तो आपने कॉमा लगाया. बट यहाँ का जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, ये तो बीच में लगा हुआ है, कॉमा की जरूरत नहीं. यहाँ भी देखो, ड्यूरिंग प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है और तीन वर्ड का है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज. तो अगर हमारा वाक्य प्रेपोजिशनल फ्रेज से शुरू है तो कॉमा लगा देना. ड्यूरिंग द वॉर, थोड़ा सा रुकेंगे, ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के दौरान बहुत ज्यादा ब्लडशेड, खून खराबा हुआ, ये भी ध्यान रखना है. ओके, ये भी ध्यान रखना है. अब आ जाओ, हाँ, कभी कभी हम कॉमा को यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए. अच्छा, आपने एक सुना क्या होगा, मैंने आपको उसमें पढ़ाया है नाउन चैप्टर में, वोकेटिव केस. वोकेटिव केस का मतलब होता है, जैसे संबोधन वर्ड सुना है, अगर आप किसी का नाम लेते हुए उसको बुला रहे हो ना, जैसे मैंने लिखा राम
राम विल हेल्प मी, राम मेरी हेल्प करेगा. तो ऐसा नहीं है कि राम उसके सामने खड़ा है, ठीक है, वो बोल रहे ठीक है राम मेरी हेल्प कर देगा. तो यहाँ पे कॉमा नहीं चाहिए. लेकिन अगर मैंने राम का नाम लेते हुए बोला राम विल यू हेल्प मी, तो वोकेटिव मतलब किसी का नाम लेके, नाम पुकारते हुए कुछ उसको बोल रहे हो ना, तो उसके लिए भी कॉमा लगाते हैं. राम को संबोधित करते हुए, राम क्या आप मेरी हेल्प करोगे, तो देखो यहाँ पे लगाया राम विल यू हेल्प मी, इसके लिए भी लगाते हैं. मीनिंग तो सेम ही रहेगा शिवम, मीनिंग में कोई वहां डिफरेंस नहीं है. और देखो ही इज माई फ्रेंड, जैसे बोलते हैं ना हियर कम्स माई फ्रेंड राम, देखो ये मेरी फ्रेंड है जेन. तो किसी को सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी देखो दिस इज माई फ्रेंड, कौन सी फ्रेंड जेन, तो यहाँ भी कॉमा लगाओ, यहाँ भी कॉमा लगा सकते.